अल्लाह रसूल करीम, याद रखिए मेरे दीदो, मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद आमाल के साथ आती है, कसरत के साथ नहीं आती। मुसलमान कहीं भी हूं, कलील हूं, थोड़े हूं, अकलियत में हूं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमाबरदार हूं, अल्लाह की मदद आएगी, दिन की रोशनी की तरह आएगी। वो सहाबा करम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम के साथ आएगी, कसरत से नहीं, ज्यादा तादाद से नहीं, ज्यादा हासिले से नहीं, ज्यादा मादी चीजों से नहीं, ज्यादा वसाइल से नहीं, अल्लाह अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी से मदद आती है अल्लाह की। अब कामयाब होंगे जिस शोबे में भी चाहे कामयाबी, अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी और अमल कर लीजिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कभी भी हम कसरत से कामयाब नहीं हुए, कभी भी हम वसाइल से कामयाब नहीं हुए। कसरत देखें, बदर में 300 तैरे थे, सामने 985,000 थे, उहद में 700 थे, सामने 3,000 थे, कोई बैलेंस नहीं है, बहुत ज्यादा है कुफार, लेकिन भारी हम थे। क्यों? अल्लाह के रसूल के फरमा बरदार थे, हम ना फरमान नहीं थे, हमारी आंखें भी फरमा बरदार थी, हमारी जबानें भी फरमा बरदार, कान भी, दिल भी, दिमाग भी, हमारी रातें दिन, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, बड़े बूढ़े, सब फरमा बरदार थे। इसलिए आज से फैसले पता क्या आते थे, बरकत क्या आते थे, करम क्या आते थे, और दिन की रोशनी की तरफ फतह मिलती थी हमें। इसी तरह देखें, खंदक में 3,000 थे हम, उधर 10,000 थे, कितना फर्क है। इसी तरह हम खैबर में 1600 थे और वो 14,000 थे, कितना फर्क है। कभी कसरत से हम नहीं लड़े, हम मदद के साथ, अल्लाह की मदद के साथ कामयाब हुए। अल्लाह की मदद आमाल के साथ आती है, किरदार के साथ आती है, गुनाहों के साथ नहीं आती, ना फरमानों के साथ नहीं आती। इसी तरह मुअत्ता में 3,000 थे, उधर 1,00,000 था, लाख पर भारी हुए हम। इसी तरह हुनैन में हम 12,000 थे और वो 20,000 थे, 20,000 पर भारी हुए हम। इसी तरह यरमूक में हम 4,000 थे, वो 2,40,000 थे, तिकनी के नाचे नचा दिया था काफिरों को, 2,40,000 को, 2.5 लाख के करीब थे। हम जमामा में 13,000 थे और वो 40,000 थे। कभी भी हम कसरत से नहीं लड़े, वसाइल से नहीं लड़े, कसरत से फतह नहीं हासिल की, वसाइल से फतह नहीं की, मादी चीज से फतह नहीं, हमने अल्लाह की मदद से की। अल्लाह की मदद, याद रखिए, आमाल के साथ आती है, आमाल की वजह से फतह मिलती है, आमाल की वजह से कामयाबी मिलती है। और नाफरमानी से बचते थे हम, फरमाबरदार थे, नाफरमानी आंखों से भी नहीं करते थे हम, जबान से भी, कान से, दिल दिमाग से भी, किसी सूरत में भी नाफरमानी नहीं करते थे। तो अल्लाह की मदद के फैसले होते थे और फरिश्ते उतरते हुए देखते थे, जब से हमने नाफरमानी शुरू की हर उज़्र से, और हम कसरत की तरफ जाएंगे गए हैं, अमाल छोड़ दिए, तब से जिल्लत मुसल्लत हो गई। आइए, आपको कामयाबी और फतह चाहिए तो यही हल है, अमाल और गुनाहों को छोड़ दें, कामयाबी आपके कदम चूमेंगे। Peace be unto you.